ये है चेन्नई का रेल म्यूजियम। ये यहाँ पर तमाम पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं जो रेलवे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से दो कुली आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे हैं। तो एक खास पहल के तहत इस तरीके की पेंटिंग्स को यहाँ पर जगह दी गई है जो रेलवे से संबंधित हैं। तमाम पहलुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। जॉली ट्रेन वन यहाँ पर दिखाया गया, किस तरीके से जो है म्यूजियम के अंदर लोग आते हैं और टॉय ट्रेन का आनंद लेते हैं। लाइन एंड लाइट ये दिखाया गया, किसी फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से प्रोडक्शन लाइन काम करती है, उस पेंटिंग को पेंटिंग के जरिए इसको समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल इस पेंटिंग में दिखाया गया, किस तरीके से चीज़ें बदली, किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदले, उनकी बात की गई। मिस्टिक वैली इस पेंटिंग को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए, अ सेलिब्रेशन फॉर मूविंग शेल्टर्स। तो इस तरीके की तमाम पेंटिंग्स यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं और उनको रेल म्यूजियम में जगह दी गई है। आर्टिफैक्ट भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कल्पचर बनाई गई है, खास है। आर्टिस्ट को भी यहाँ दिखाया गया है कौन है। आयरन ट्रेल, ये पेंटिंग अफसाना सरमीन की है, इसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। राजेंद्र प्रसाद पेंटिंग है ट्रेन एंड ट्रेवलर, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है आसमा मेनन की, आयरन मेडन्स, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सैलेस बीओ जक्स्टापोजिंग जर्नी, तमाम आयाम हैं जिनको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। आर एस साक्या टनल्स एंड ट्रेन्स, बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है क्योंकि सुरंग को लेकर जो लोगों में उत्साह होता है जब ट्रेन अंदर जाती है और बाहर निकलती है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शाया गया है कि एक मिस्ट्री बनती है। द लोकोमोटिव एक्रिलिक ऑन कैनवास, जर्नी बिगिंस, अमूमन आप रेल म्यूजियम के अंदर पेंटिंग्स नहीं देखते हैं लेकिन यहाँ पर पेंटिंग्स और स्कल्पचर के जरिए रेलवे को बताने की कोशिश की गई है, रेलवे को दर्शाने की कोशिश की गई है।